الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي प्यारे भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस मुबारक मजलिस में मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा कि मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने जवामिउल कलिम से नवाजा था। जवामिउल कलिम का माना यह है कि अल्फाज मुख्तसर हों लेकिन उसका मफहूम और उसमें जो बातें हैं जिन बातों को शामिल हैं वो कलिमात वो बहुत ज़्यादा बातें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक खुसूसियत और फजीलत से नवाजा था कि जवामिउल कलिम आपको अता फरमाया था। इसीलिए आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद हदीसें ऐसी हैं जो देखने में बड़ी मुख्तसर रहती हैं लेकिन आदमी अगर उसके ऊपर गौर करे तो वो उसे एक नहीं दो नहीं बहुत से दुरूस और असबाब उसे देती हैं और उसकी ज़िंदगी में उसके लिए बहुत से समझिए कि ऐसे कवायद ऐसे उसूल या ऐसे रबते मिलते हैं जिसको अपना करके वो शख्स अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। उन्हीं हदीसों में एक हदीस है जो बड़ी मशहूर है और आप लोग उसे बार बार सुनते भी आए होंगे जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं और वो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही फल इमामुल लज़ी अला नासि राइन व हुवा मसूलुन अन रईयतिही व अर्रजुलु राइन अला अहलि बैतिही व हुवा मसूलुन अन रईयतिही व अल मरअतु राइयतुन अला अहलि बैति ज़ौजिहा व वलदिही व हिय मसूलतुन अनहुम व अब्दुर रजुलि राइन अला माल सय्यिदिही وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاه والسلام। इस हदीस का सीधा तर्जुमा यह है कि याद रखो होशियार हो जाओ। अला ये कलमा तंबीह के लिए है, याद रखो होशियार रहो गौर से सुनो। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि कुल्लुकुम राइन तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, तुम में का हर शख्स ऐसा है कि जिससे सवाल किया जाएगा, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है। वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही और उसकी रईयत में उसकी जिम्मेदारी में जो चीज़ दी गई है उससे मुतालिक उससे सवाल भी किया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को तफसील बयान फरमाई कि जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है। आपने सबसे बड़े जिम्मेदार को बतलाया, सबसे छोटे जिम्मेदार को बतलाया और दरमियान में कुछ ऐसे जिम्मेदारियों का ऐसी जिम्मेदारियों का जिक्र फरमाया जिनका इंसान की ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फल इमाम, चुनांचे इमाम जो लोगों पर इमाम है, लोगों का बादशाह है, लोगों का वज़ीर आज़म है, लोगों का सदर जमहूरिया है, अलन्नास राइन वो भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है। वह हुआ मसूल अन रईयतिही और उससे उसकी रईयत उसकी जिम्मेदारी में दो चीज़ें दी गई हैं उनसे मुतालिक उससे सवाल किया जाएगा। और रजुल राइन अला अहली बैतिही
और इंसान अपने घर वालों पर जिम्मेदार है, सिर्फ अपनी बीवी का नहीं, सिर्फ अपने बेटों का नहीं, अपने घर वालों का, अला अहली बैत ही वह मसूलुन अन रईयतिही, और उससे उसकी जिम्मेदारी और उसकी रईयत में जो चीज़ें दी गई हैं उससे सवाल किया जाएगा। वल मरअतु रईयतुन अला अहली बैत ज़ौजिहा व वलदिही, और औरत जिम्मेदार है शौहर के घर में रहने वाले जो हैं, व वलदिही, और शौहर की औलाद के ऊपर जिम्मेदार है, और इससे इसकी जिम्मेदारी में दी गई चीज़ों से मुतालिक सवाल किया जाएगा। وعبد الرجل راع على مال سيده, और इंसान का जो गुलाम है ज़रख़रीद गुलाम वो उसके माल का जिम्मेदार है, और उससे उसकी जिम्मेदारी से मुतालिक सवाल किया जाएगा। अला, याद रखो, कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल किया जाएगा। साथियों, इस हदीस से मुतालिक मुझे आपके सामने तीन बातें रखनी हैं। पहली बात यह है कि हर इंसान के हर अमल पर अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। उसके बाद हर इंसान की जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने तकसीम कर दिया है, सिर्फ मुजमल नहीं रखा, बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी बता दी गई, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी क्या है, तुम्हारी क्या है। और हाँ, पहली बात यह है कि हर इंसान के उसके अमल पर गिरफ्त की जाएगी, दूसरी बात यह है कि हर इंसान जिम्मेदार है, और तीसरा यह कि हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी में दी गई चीज़ों से मुतालिक सवाल किया जाएगा। अब पहली बात तरफ आते हैं कि हर इंसान अपने हर अमल का जिम्मेदार है, यानी जिम्मेदार होने का माना क्या है? कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों से मुतालिक उससे सवाल करेगा, और उससे मुतालिक वो जवाब दे होगा, और उन चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला उससे हिसाब लेगा। फवरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून, तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम, लनसअलन्नहुम अजमईन, हम इन तमाम लोगों से पूछेंगे, किसी को मुस्तस्ना नहीं किया गया, तमाम लोगों से पूछेंगे किस चीज़ के मुतालिक, अम्मा कानू यअमलून, हर उस चीज़ से मुतालिक जो वो दुनिया में करते रहे हैं, जो आमाल करते रहे हैं। इसी चीज़ का ऐलान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इज्तिमा हज्जतुल वदा के मौके पर आपने किया था इसका ऐलान, जैसा कि सही बुखारी वगैरह में हज़रत अबू बकरा की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में जहाँ पर बहुत से उसूल और ज़ाबते कवायद बयान फरमाए, उनमें से एक बात आपने ये भी कही थी, وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ, लोगो याद रखो, एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे रब से होगी, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ, और तुमसे तुम्हारे अमाल से मुतालिक सवाल करेगा। वो हदीस जो सही मुस्लिम की बड़ी अजीम हदीसों में है, से है वो हदीस जिसे हमेशा हमें अपने सामने रखना चाहिए, ख़ास तौर पर बंदे के अंदर इखलास पैदा करने के लिए। वो हदीस बड़ी अहम है जो हदीस कुदसी है, जिसे हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ़सी, उस हदीस के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, या इबादी इन्नमा हिया अमालुकुम उहसीहा लकुम, ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे आमाल जो दुनिया में कर रहे हो, उहसीहा लकुम, एक एक को हमने शुमार करके रखा है, उहसीहा लकुम, एक एक को शुमार करके रखा है, थुम्म उवफ्फीकुम इय्याहा, फिर उसका हम कयामत के दिन पूरा पूरा बदला देंगे, वफा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। फर्क ये होगा, बुराइयों का बदला सिर्फ बुराई के बराबर होगा, और नेकियों का बदला जो होगा वो बढ़ा चढ़ा करके होगा। ये अल्लाह ताला ने जो उसूल रखे हैं वो होगा, लेकिन हर एक इंसान को उसका बदला मिलेगा। तो
तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहली चीज यह है कि हर इंसान से उसके आमाल से मुतालिक अल्लाह ताला सवाल करेगा। इसीलिए मुसनद अहमद के अंदर हज़रत उकबा इब्न आमिर की एक रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप बयान फरमाया लैस मिन अमली यौम इल्ला वहुव युख्तमु अलैहि, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई बंदा अमल कर रहा है, कोई भी अमल कर रहा है, इल्ला युख्तम अलैहि, कि उसके ऊपर मेहर लगा दी जाती है। जब मेहर लगा दी गई है तो अब उसके अंदर कोई रद्दोबदल होने वाला नहीं है। इस हदीस का एक बड़ा मफहूम भी उलमा ने बयान किया है, लेकिन मैं इस पर यहीं पर इक्तफा करता हूं। हत्ता कि साथियों, कुरान मजीद से यह पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला वहां रसूलों से भी सवाल करेगा, सिर्फ आम लोगों से नहीं, पब्लिक ही से नहीं, बल्कि रसूलों से भी सवाल होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता फलनसअलन्नल लदीन उर्सिल इलैहिम वलनसअलन्नल मुर्सलीन, उस दिन हम रसूलों से भी सवाल करेंगे और रसूलों को जिनकी तरफ भेजा गया था यानी उम्मत से भी हम अल्लाह फरमाता है सवाल करेगा, तो हर एक से वहां पर सवाल होगा। ये तो पहली बात है जिसे हर इंसान को अपने जिम्मे रख अपने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इंसान है, छोटा इंसान है या बड़ा इंसान है, हत्ता की साथियों, हत्ता की अगर कोई इंसान दुनिया में कुछ नहीं पा रहा है, सिर्फ अपने जिस्म का मालिक है, जिस्म के ऊपर एक कपड़ा भी नहीं है, तो वो अपने जिस्म का से मुतालिक उससे सवाल किया जाएगा, इससे उसको निजात नहीं मिलेगी। हाथ से मुतालिक, पैर से मुतालिक, आंख से मुतालिक, कान से मुतालिक, जैसे इसकी थोड़ी सी वजाहत आगे आ रही है। इस साथियों, तो ये तो पहली बात है कि हर इंसान को से हर उसके हर आमाल से मुतालिक सवाल होगा। दूसरी बात जो इस हदीस में बयान की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये है कि फल इमाम राइन, और आखिर में क्या बयान फरमाया अल्लाह ने, वल अब्दु राइन अला माल सय्यदिही, तो गोया हर इंसान हाकिम है तो, महकूम है तो, आलिम है तो, जाहिल है तो, मर्द है तो, औरत है तो, माल वाला है तो, गैर माल वाला कोई भी इंसान है, किसी भी इंसान को जिम्मेदारी से वो खाली नहीं है। अल्लाह ने उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं और यही इंसान का कमाल है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। साथियों, जरा गौर करने का मकाम है, आज हम में से बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूले हुए हैं और दूसरे लोगों की जिम्मेदारियों से मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। उनकी पूरी मजलिस जो सुबह से शाम तक होती है, फला हाकिम ने, फला वजीर ने, फला मौलवी साहब ने, फला साहब ने ये किया, मुसलमान मारे जा रहे हैं, वो क्या अल्लाह उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। सवाल यह है कि उनकी जिम्मेदारी है, इस पर कलाम नहीं है, लेकिन आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने क्या अपनी जिम्मेदारी को अदा किया? अगर आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की होती तो आपको यह हक बनता है कि दूसरी की जिम्मेदारियों के बारे में आप सवाल करें। आपने अपनी जिम्मेदारी अभी तक अदा नहीं की है, सवाल यह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को जिम्मेदार बनाया है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस के अंदर जिस तरीके से, वो हदीस जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के शुअब और शाखों का जिक्र किया है कि सबसे ऊंची शाख का जिक्र किया, सबसे निचली शाख का जिक्र किया और दरमियान में बाद अहम शाखों की तरफ इशारा फरमाया, उसका जिक्र किया। जैसे अल ईमानु बिदउन व सबउना रवायात, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि ईमान की कुल कितनी शाखें हैं, 70 से ज्यादा या 60 से ज्यादा हैं। उसके बाद आपने बयान फरमाया अल्लाह, सबसे ऊंचे दर्जे की सबसे बड़ी शाख क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो अदनाहा इमातुल अदा अनित तरीक, और सबसे हल्के दर्जे की क्या है, रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटा देना। वल हया शोबतुल मिनल ईमान, दरमियान में एक बड़ी जामे बात कही कि हया, ये हया अल्लाह ताला से हो, ये हया मखलूक से हो, ये हया
अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक इंसान से हो या अल्लाह ताला के फरिश्तों से हो, हत्ता कि ये हया इंसान की खुद अपने आप से हो। बसा औकात हमारे माहौल में भी एक इंसान अपने से शर्मा जाता है कि हमसे ये बात कैसे हो गई है। तो ये हया बहुत आम सा लफ्ज, बड़ा जामे लफ्ज है। आपने अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि वल हया व शुबतुम मिनल ईमान। तो जैसे वहां पर सबसे आला दर्जे की शाख और सबसे अदना दर्जे की शाख और दरमियान में चंद शाखों का एक शाख का जिक्र किया, ऐसे इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे छोटी जिम्मेदारी और दरमियान में चंद अहम जिम्मेदारियों का जिक्र फरमाया। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाकिम क्या है, वो जिम्मेदार। जाहिर बात ये सबसे बड़ा माशरे के अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, वो कोई चाहे बादशाह की शक्ल में है, वजीर आजम की शक्ल में है, सदर जमहूरिया की शक्ल में है, जिस शक्ल में भी है सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है। और आखिर में सबसे हल्के दर्जे का जिम्मेदार जो, हत्ता कि वो शख्स कि उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़ा है उसका भी मालिक नहीं होता, यानी जो जर खरीद गुलाम रहा करता है उसके जिस्म में जो कपड़ा उसका भी मालिक नहीं, अल्लाह के रसूल ने उसको भी जिम्मेदार करार दिया। और दरमियान में किसको जिम्मेदार बनाया, जो घर का सरगना है, जिसकी वजह से पूरे माशरे की इस्लाह हो सकती है। इसलिए कि हर आदमी अगर अपने घर की इस्लाह कर ले तो माशरे की इस्लाह बड़ी आसान है। तो घर का जो सबसे बड़ा है और घर के अंदरूनी मामलात की जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है औरत, उसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो इन चंद बातों का जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यह भी बयान फरमा दिया कि हर इंसान की गोया जिम्मेदार है और हर इंसान की जिम्मेदारी क्या है वो आगे वाली हदीस के अंदर आगे वाले चीज में हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमें यह बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि हर इंसान जो है, और ये उलमा ने इस हदीस के अंदर एक नुक्ता रखा है कि हर इंसान की जो जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी है वो उसके अपने जिस्म के तई, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है और सबसे पहली अपने जिस्म के तई। दो नाहिए से, एक नाहिए से ये कि इंसान के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपनी सेहत को खतरे में डाले। ये जिस्म अल्लाह ताला ने जो दिया है वो इंसान के लिए क्या है, वो इसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह ने क्या बयान फरमाया, तक्तुलू अनफुसकुम, ये जिम्मेदारी है। और इससे मुतालिक लोग तवज्जो सवाल किया जाएगा, हत्ता कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस जिस्म के जिन बालों के काटने की इजाजत दी है उन बालों को इंसान अगर नहीं काटता है तो इससे मुतालिक वो अल्लाह के यहां जवाब दे होगा। ये नाखून हमारे आपके हैं, अल्लाह ने इसके काटने का हमें और आपको हुक्म दिया है। अगर हम इस नाखून को नहीं काटते हैं तो अल्लाह ताला यहां हमें इसका जवाब देना होगा। तो इंसान सबसे अहम क्या है, वो अपने जिस्म का जिम्मेदार है। और कुरान मजीद में इससे मुतालिक बड़े वाज़ह दलाइल मौजूद हैं, बड़े वाज़ह दलाइल मौजूद हैं। वला तख्फु मा लैस लका बिही इल्म इन अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल उलाइका काना अनहु मसूला। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब ज़ादुल मसीर के अंदर नकल करते हैं कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इस आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन आँख से मुतालिक सवाल करेगा कि इससे तुमने क्या देखा, कान से मुतालिक सवाल करेगा इससे तुमने क्या सुना है, जुबान से मुतालिक सवाल करेगा इससे तुमने क्या बात की है। तो इंसान दो लिहाज से अपने जिस्म का जिम्मेदार है। एक लिहाज से तो ये कि उसकी जिस्मानी सेहत के लिहाज से, इसीलिए किसी इंसान के लिए यह जायज नहीं है कोई ऐसी चीज खाए जिससे उसकी सेहत को खतरा लाहिक। ऐसे ही अपने जिस्म का जिम्मेदार इस नाहिये से है कि इस जिस्म को किस काम में लगाना है, इस जिस्म का काम अल्लाह ताला ने क्या रखा है। जाहिर बात इबादतें हैं, इसीलिए अल्लाह ने हमें हुमा खलक तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून।
तो गोया कि इंसान की जो जिम्मेदारी है वो अपने जिस्म से मुतालिक है, जिसके ऊपर शायद लोग तवज्जो कम देते हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की जिम्मेदारी तकसीम की है। अब किसकी क्या जिम्मेदारी है उस तरफ सिर्फ इशारा करते चलते हैं, इसलिए कि वक्त कम है। पहली जिम्मेदारी क्या है? हर इंसान की जिम्मेदारी इस तरह तकसीम कर दी है अल्लाह तबारक व तआला ने कि आलिम को अल्लाह ताला ने और हाकिम को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है। अल्लाह सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसको दी है? हाकिम और आलिम। हाकिम की जिम्मेदारी यह है कि उसके निगरानी में जो पब्लिक है वो उसके जान की, उसके माल की, उसके सेहत की, उसके लिए अमन की, उसके जमीन की, इन तमाम चीजों की हिफाजत करे और उनके अंदर अदल कायम करे। उनके जो हुकूक हैं वो हुकूक ना मारे जाएं, जो शरीयत ने उनको हुकूक दिए हैं कानूनी तौर पर, जो उनको हुकूक मिल रहे हैं उन हुकूक के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर बनने को नापसंद करते थे। आपने खुद बयान फरमाया है कि ला बुद्द लिन्नास मिन आरीफ वल आरीफ फिन्नार, लोगों के लिए जरूरी है कि कोई उनका जिम्मेदार आरिफ हो, उनका चौधरी हो, प्रधान हो कोई, लेकिन वो कहां है? जहन्नम में। और वो हदीसें आप लोग पढ़े लिखे हैं सामने जो बैठे हैं और लोग भी सुन रहे हैं, वो अच्छी तरीके से उन हदीसों को जानते हैं जिन हदीसों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर से मुतालिक, जैसे मुस्नद अहमद वगैरह में हजरत अबू हुर्रा की वो रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वैलुल लिल उमरा वैलुल लिल उरफा वैलुल लिल उमना, यानी चाहे हाकिम है, वजीर है, प्रधान है, चौधरी है, कोई भी है, वैलुल लिल उमरा वैलुल लिल उरफा वैलुल लिल उमना, हर एक के लिए। उस बाद आपने क्या बयान फरमाया? लयतमन्नयन अक्वाम यौमल कियामा, बहुत से लोग जिन्हें अमीर अमानत दी गई है, वजीर बनाया गया है, प्रधान बनाया गया है, चौधरी बनाया गया है, वो तमन्ना करेंगे कि उनकी चोटी को बांध करके सुरैया में दिन दुनिया में लटका दिया गया होता, ऐसे लटकते रहते यहां तक कि कयामत आ जाती और किसी दो आदमी के ऊपर भी उन्हें अमीर ना बनाया गया। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो लोग इसके लिए अल्लाह की कसम कोशिश करते हैं उन्होंने जिसको समझा ही नहीं है। साथियों बात लंबी न हो, मुझे याद आया कि रियादुन नजरा में मुहिब तबरी ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के तज़किरे में लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने एक बार आलिया में दूर सख्त गर्मी के मौसम में अपने मजरा अपने खेत के अंदर थे तो उन्हों देखते हैं कि सख्त गर्मी है, लू चल रही है, चेहरा बाहर निकालना इंसान का मुश्किल है और एक शख्स है कि अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए नंगे पैर है और दो ऊंटों को वो हांकता हुआ आ रहा है। हते उस्मान ने कहा जरा देखो तो ये कौन है, ये कौन है? जब करीब आए तो उस कहा उनके नौकर ने ये तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने कहा औजु बिल्लाह नऊजु बिल्लाह नऊजु बिल्लाह, चुनांचे सर को बाहर निकाला करीब किया, कहा ए अमीरुल मोमिनीन ये क्या है, ये काम तो हम और आप सारे कर सकते हैं, हम हमारे गुलाम भी कर सकते हैं। रते उमर रजी अल्लाह बयान फरमाया कि देखो सदके के ऊंटों को जो चरागाह में हमने भेजा था ये दो ऊंट पीछे रह गए थे, ये दो ऊंट पीछे रह गए थे। अब मुझे डर है कि अगर अभी इनको वहां पहुंचा ना दिया गया, अगर ये कहीं भटक गए तो कयामत के दिन अल्लाह ताला इनसे मुतालिक हमसे सवाल करेगा। हजरत उस्मान ने गुजारिश भी की कि अंदर आ जाइए आप, कहा कि कयामत के दिन इनसे मुतालिक अल्लाह ताला हमसे पूछेगा तुमसे सवाल नहीं करेगा। हजरत उस्मान ने बड़ी कोशिश की लेकिन हजरत उमर तैयार नहीं हुए अंदर आने के लिए, यहां तक कि ऊंटों को उनकी जगह पर पहुंचा दें। उस पर हजरत उस्मान ने कहा था
कि मन शाह अमीन, जो शख्स किसी अमानतदार और सादिक को देखना चाहता है वही शख्स को देख ले। तो ये एहसास था कि अपनी जिम्मेदारी का। उसके बाद जो जिम्मेदारी आती है साथियों, वो उलमा और अहले इल्म के ऊपर आती है, हमारे और आपके ऊपर आती है कि आया हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है कि नहीं निभाया। मैं कहता हूं कि हमारे और आपके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं साथियों, उसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। एक जिम्मेदारी हमारी अपने तई और दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह की मखलूक के तई, और इन दोनों जिम्मेदारियों से मुतालिक कयामत के दिन हमसे और आपसे सवाल होगा। हमारी अपने तई क्या है? अगर हमने अपने आप को इस लायक नहीं बनाया है कि हम लोगों को भली बात बता सकें, हम बहुत पढ़ लिए लेकिन अखलाक और किरदार के तौर पर हमने अपने आप को इस लायक नहीं बनाया कि लोगों को हम भली बात बता सकें, तो यह भी हमारे और आपके लिए तबाही है। और आप लोग हदीसें जानते हैं अच्छी तरीके से, इस सिलसिले में क्या हदीसें वारिद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ ले गए, शायद सुनन अबू दाऊद की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखलाया गया कि कुछ लोगों के जबड़ों को फाड़ा जा रहा है। आपने पूछा एक इब्रिल से कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के खुतबा है, किसी और उम्मत के नहीं। जो लोगों को अच्छी बातें तो बताते हैं और खुद उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। हमें से बहुत से लोग आज साथियों तकरीर के मैदान में बहुत आगे है, बल्कि मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि आप लोग इसी गवाही भी देंगे कि आज हमें बहुत बड़ा मुकर्रर मौजूद हो, हदीस की बड़ी अच्छी तहकीक करने वाला मौजूद होगा, फिका के अंदर अच्छी दस्तरख रखने वाला मौजूद होगा, मुनाजिर बड़ा अच्छा मौजूद होगा। हम ये कहते हैं फड़ा अच्छा मुनाजिर, फड़ा अच्छा मुनाजिर, लेकिन क्या हमने किसी आलिम को इस नाहिये से भी तारीफ की कि ये बहुत बड़ा आबिद और बहुत बड़ा साहिद है? जरा सोचे, सोचने की बात, ये कितना बड़ा खला हमारे अंदर पाया जा रहा है। नहीं कि ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आज दुनिया हलाक हो जाती, लेकिन हमें जरा हेडलाइट किनको किया जाता है, जरा सोचें, बहुत बड़े मुनाजिर को, बहुत बड़े एक बहुत बड़ा जाहिद हो स्टेज पर बैठा है, जब आएगा तो उसके लिए कोई उठेगा नहीं, लेकिन एक मुकर्रर चाहे तकरीर करने के बाद जाकर के रात को फिल्म ही देखता हो, वो स्टेज पर आ गया और चूंकि हेडलाइट होती सारे लोग खड़े होकर के फोटो उसका लेना शुरू करें, है बात सही कि नहीं सही? ये खलल है हमारे अंदर पाया जा रहा, और क़यामत में हमसे इस मुतालिक सवाल किया जाएगा। तो इन दुआत की उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अमली तौर पर खुद अपने आप को तैयार करें। साथियों बात लंबी होती जा रही है, मैं जो बात मुशाहिदात आपके सामने रखो, अल्लाह के रसूल जमाने से आज तक जो रब्बानी उलमा रहे हैं उनका तरीका क्या रहा है? आप सरसरम की मिसाल में नहीं देता, आप लोग बार पढ़े बार पढ़े हुए हैं, लेकिन इसी दुनिया के जो रब्बानी उलमा थे उनका उनकी मिसाल क्या है? शेख इब्न बाज़ के तस्करे में लिखा है कि एक बार वो मक्का और मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक जगह ठहरे कहीं पर, तो जाहिर बात है उनके सामने बड़े खतूत रहा करते थे, ये वो पढ़ने के लिए उनका, और वो जो सब पढ़ता था जुल्फी के रहने वाले हैं वही वो पढ़ा करते थे। तो रात का जब 11:30-12 हो गया तो शेख ने कहा कि अब थक गए होगे तुम, चलो ऐसा करो बंद करो, सुबह पढ़ेंगे। तो कहते मैं तो चाहता था कि बंद हो, मैं तो चाहता था बंद हो। चुनांचे कहा बंद करके रखे शेख को, लेटने का हमने इंतजाम किया ये वो, और मैं भी सो गया। कहा कि 2-1 घंटे के बाद जब मेरी नींद खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ, शेख खड़े होकर नमाज पढ़ रहे, शेख खड़े होकर तहज्जुद नमाज पढ़ रहे। आप लोग नूरानी साहब को अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्होंने खुद मुझसे बयान किया कि जामिया अबी बकर के अंदर हमने एक बार दौरे उसूल हदीस का प्रोग्राम कराया, जिसके लिए हमने पीर बदीउद्दीन शाह राशिदी को दावत दी। कहा कि मेरी जवानी का अपना वक्त था, इसलिए उनकी खिदमत के लिए हमने अपने आप को रखा जामिया अबू बकर। कहा कि इसीलिए उनके साथ सोया भी मैं उसी कमरे में। तो कहा उनको लेटाया, मैं भी लेट गया,
तो आ रात में मेरी 2 बजे कह भी ये नींद खुली तो मैं क्या देखता हूँ, पीर बदीउद्दीन राशिदी क्या है वो खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है। तो हमने कहा कि शब्बीर बुरा हो तुम्हारा, ये बूढ़ा नमाज पढ़ रहा हो, तुम जो है जवान हो सो रहे हो। कहा मैं भी गया वजू करके आया पढ़ा, कहा खड़े हो गए पढ़ते जा रहे रुको ही नहीं कर रहे, कहा पढ़ते जा रहे हैं, कहा बड़ी मुश्किल से 2 रकात उनके साथ पढ़ा, उसके बाद कहा बाबा ये आपका काम है मेरे बस में नहीं, बजा के सो गए। तो ये हमारे जो उलमा रहे हैं ये उनका किरदार रहा है। साथी आज क्या हम में से कोई शख्स ये सोच रहा है कि हम अपने आप को ऐसे बनाएं? ये सोचने की बात है, ये हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर। हम ये समझें कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह का सबसे पहली जिम्मेदारी है, कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला आपके बारे में आपसे सवाल करे, किसी और से नहीं, और आप अकेले से सवाल करें, कोई किसी के पास नहीं आए, किसी को साथ लेकर के नहीं आएगा। तो खैर साथियों बात दूसरी तरफ जा रही, मैं ये कह रहा था कि हम में का हर शख्स जो जिम्मेदार है उनमें से क्या है, आलिम की भी जिम्मेदारी है। आलिम की जिम्मेदारी है कि बात बताने में, किताब पढ़ाने में, फतवा देने में, तकरीर करने में, हम में से जिस जो शख्स को दाई मुकरर किया गया है जिम्मेदारी है कि तकरीर वो तैयारी करके करे। तैयारी नहीं करता इसका मतलब वो खयानत कर रहा है। मुदर्रिस है, पढ़ाता है, जरूरी है कि वो तैयारी करे, अगर तैयारी नहीं करता वो खयानत कर रहा है। मुफ्ती है, जब तक किसी बात का यकीन ना हो दलायल के लिहाज से उस वक्त फतवा दे रहा है गलत, तो ये क्या कर रहा है, वो खयानत कर, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसे। तो कहने का मतलब जो सबसे ऊपर के लोग हैं वो हाकिम और आलिम, इन दोनों की जिम्मेदारी भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी है और बांट दी है। उसके बाद जो जिम्मेदारी आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की जो जिम्मेदारी रखी है, वालिद की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने क्या रखी है कि वो अपने घर के लोगों पर जिम्मेदार है, कि वो घर के लोगों की जिम्मेदारी वो कहां तक अपना रहा है, घर का सरपरस्त है, उसकी जिम्मेदारी में जो पूरा घर है वो चंद चीजें आती हैं। साथियों मैं इख्तिसार के साथ बात कर खत्म करता हूं। पहली जिम्मेदारी यह है अहले खाना की अपनी इस्तात के मुताबिक रिहाइश का सही इंतजाम होना चाहिए। दूसरी चीज यह है रिहाइश के साथ साथ उनकी खुराक का भी सही इंतजाम होना चाहिए। अगर इंसान को अल्लाह ने अच्छा खाने मुनासिब खाने के लिए दिया है, अपने बच्चों को पैसा बचाने के लिए नहीं खिलाता तो वो जिम्मेदार। इसी तरीके से अहले खाना की मुनासिब तरबियत का भी वो जिम्मेदार। अगर उनकी मुनासिब तरबियत नहीं कर रहा है तो क़यामत दिन अल्लाह तबारक व तआला इससे मुतालिक उनसे सवाल करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। इसी तरीके से औरत भी जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि औरत अपने शौहर के बच्चों की जिम्मेदार है, नहीं, शौहर के जो घर में तमाम अफराद हैं उसकी माँ। ये बिला वजह का सवाल होता है कि हाँ सास है उसकी खिदमत हमारे ऊपर है कि नहीं है, ये जाहिलों का सवाल है, ये अलग मसला है, अलग है तो अलग, लेकिन अगर घर में है तो तू जिम्मेदार है उसके खिलाने उसके पिलाने उसके लिए खाना तैयार करने की। والمرأة راعية على أهل بيت زوجها, ये नहीं कहा कि अला वलद زوجها على زوجها على أهل بيت زوجها। अगर भाई की बहन भी साथ में रहती है तो जो जिम्मेदारी उसको है उसके तई भी निभाना है वो शौहर। बल्कि अगर कोई दूसरा शख्स भी रहता है और घर का एक फर्द है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, उसके हदूद में जो है, यानी खाना तैयार करने का, मुनासिब खाना तैयार, और ये जो सारी जिम्मेदारी माहौल के लिहाज से उसके ऊपर आयद होती है, ये जरूरी है। आज हमारे यहां बहुत ये पता नहीं कहां से आ गया कि औरत के ऊपर घर की खिदमत वाजिब ही नहीं, खाना पकाना नहीं, क्या करने आई हो सिर्फ रात के काम के लिए, तो जैसे वो मुस्तफीद उसका शौहर मुस्तफीद, वो भी मुस्तफीद हो रही है, क्या फर्क रह गया दोनों में, क्या फर्क रहेगा दोनों में। तो जरूरी यह है कि हत्ता की उलमा कहते हैं, शेख अगर मुझसे भूल नहीं शेख इब्न उसैमीन ने यह जिक्र किया है, उसे अगर चाय बनाना है और चाय की 2 कप की जरूरत है,
तीन कप बनाती है, एक कप फेंका जाता है, अल्लाह इससे मतलब सवाल करे क्या मत। जी जी वल मरअतु राइयतुन अला अहली बैति ज़ौजिहा व वलदिही व हिय मसूलतुन अन रइयतिहा। अगर शकर आती है चाय में खाने में डालने के लिए, लापरवाही करती है, कुछ अंदर जा रहा है कुछ नीचे गिर रहा है, इसलिए कि परावानी है, दुकान पर गई अर्ध लगा हुआ है, सेल है, जो चीज जरूरी है वो भी, जो चीज नहीं जरूरी चाहे एक महीने के बाद उसको फेंकना ही पड़े, अगर ज्यादा ले लेती है तो ये खयानत करी के मद्देनजर उसका जवाब दे होगी। वलमरतु राइयतुन अला अहली बैती ज़ौजिहा, अगर भाई की बहन घर में रहती है और उसकी सही निगरानी नहीं करती, वो गलत राह पर चली जा रही है, तो क़यामत दिन इससे मुतालिक वो सिर्फ उसका शौहर जिम्मेदार नहीं, ये भी जिम्मेदार हो। वल मरअतु राइयतुन अला अहली बैति ज़ौजिहा, शौहर की माँ है, बीमार है घर में, उसे वक्त पर चाय चाहिए, वक्त पर खाना चाहिए, वक्त पर दवा चाहिए, लेकिन लापरवाही कर रही है, इससे मुतालिक क़यामत दिन सवाल किया जाए। तो कुल्लकुम राई, और आखिरी चीज जो अल्लाह के रसूल बयान फरमाई आखिर में वो क्या है, गुलाम जो है, वल अब्दु राइन अला माल सय्यदिही, अपने सरदार के माल पर, उन्हीं में ले लिए जितने ये उम्माल हैं, उनकी जिम्मेदारी में जो चीज भी है, गाड़ी दी गई है, दिया है ना, अगर सही इस्तेमाल नहीं करता है वो, चलो अच्छा खराब हो तो बनवाएगा वो ना, ये सवाल क्या मतलब सवाल किया जाए, सवाल किया जाए क्या मतलब, इसलिए उसकी जिम्मेदारी में, ऐसा जितनी चीजें हैं, किसी वर्कशॉप में काम करता है, अगर बिजली नाजायज खर्च कर रहा है, वहां की कोई चीज जो औजार आए हैं वो लापरवाही से जाये कर दे रहा है, लापरवाही से यहां से वहां कर दे रहा है, किसी और को दे दे रहा है, तो क्या मतलब उससे मुतालिक सवाल किया जाएगा। मजरा में एक शख्स काम करता है, किसी को ले आकर के अपने कफील के आदमी का सब्जी दे रहा है, जी होता ही नहीं होता है, कबूतर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मैं छोटी सी सब्जी की बात कर रहा हूं, इससे मुताबिक क्या मतलब सवाल किया जाएगा। वल अब्दु राइन अला माल सय्यदिही वह मसूल अन रइयतिही, जब वो अब्द यानी सोचें कितना है वो, इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला एक बार जो है जा रहे थे कहीं पर रास्ते में, देखा कि एक बकरी के चरवाहा बकरियां चरा रहा है, एक ऐसी जगह रास्ते में जब गुजरे ना तो क्या देखते कि यहां पर अच्छी घास पाई जा रही है, आगे गए जहां बकरियां चर रही हैं तो वहां पर घास अच्छी नहीं थी, क्या कहा, जाओ वहां लेके जाओ बकरियों को, वरना इससे मुताल्लिक अल्लाह तआला क़यामत में तुमसे सवाल करे, वहां चारा अच्छा है और यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अच्छे चारे की जगह तलाश करके बकरियां वहां पर चराओ। तो कहने का मतलब साथियों, यह हदीस बड़ी अजीम है, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी यह हदीस याद दिलाती है, घर का जिम्मेदार है कोई भी शख्स है, जैसे लॉकडाउन के सिलसिले में कहा, बहुत से लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां महसूस की और बहुत से लोगों ने बिल्कुल इतना जाया कर दिया कि बच्चों की तबीयत खराब हो गई, उनकी आंख खराब हो गई, ऐसा जाये कर दिया, क्या करें, अपने भी इसमें मशगूल हैं और एक देख रो रहा है क्या किया, इन देख अपने देखने में क्या डिस्टर्ब होता है ना, उसको भी ये खरीद करके दे दिया है, आज यही तो होता है ना, औरतें क्या करती हैं, बैठी बातें कर रही, गप कर रही, बच्चा रो रहा है, क्या करें, अले ले जा देख खेल, खेलने लगा, चाहे स्कूल का काम किया है कि नहीं किया, इससे उसकी सेहत बनेगी कि नहीं बनेगी, उसकी आंख खराब होगी कि नहीं खराब होगी, क्या चीज है, और सिर्फ आंख नहीं साथियों, ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो मोबाइल और ये चीजें हैं, इनके देखने वाले बच्चों में जहां आंख का मसला तो है ही, उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हत्ता कि दिमाग के बाद उनका जो ये मसाना वगैरह इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्यों, इसलिए कि अगर जब पेशाब लगी है लेकिन दबा करके बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो इस पर उसका असर पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, उसके वालिदैन हैं। तो कहने का मतलब है साथियों कि यह हदीस बड़ी अजीम है, इसको हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए, और हर इंसान के ऊपर जो जिम्मेदारी है
उसको पूरी करने की कोशिश करें, वरना अल्लाह ताला के यहां क़यामत दिन से मुताल्लिक सवाल होगा। और आप लोग बार बार वो हदीस पढ़ते ही हैं जो सुन्नत अबू दाऊद वगैरह में है कि मन अफ्ता मन सुएल अन इल्म, जिसने किसी इल्म से मुताल्लिक सवाल किया गया जिससे, फकतमहु, उसको छुपा लिया, उसको छुपा लिया, तो क्या है उसकी जुबान में, क्या आग, आग की लगाम दी जाएगी, क्यों उसकी जिम्मेदारी है ना, उसकी जिम्मेदारी है। और यह बहुत बड़ी खयानत है जिसमें हम में से तकरीबन बहुत से लोग मुब्तला हैं कि रास्ते से जा रहे हैं, एक आदमी कोई गलत काम कर रहा है लेकिन शर्म आती है, मना करते हैं, है कि नहीं है, अलग किस्म की खयानत है, खयानत नहीं। बहुत से लोगों को देखेंगे उनके कमरे में आज 10 साल से उनका साथी रह रहा है, अपने नमाजी हैं लेकिन उसको नमाजी नहीं बनाता। अगर कहते हैं, जोर देते हैं फिर नहीं कहता, तो जिम्मेदारी उनकी खत्म। लेकिन अगर नहीं कहते, उस पर नाराज नहीं होते, दिल से बुरा नहीं समझते, इसका मतलब क्या है, क्या दिन इससे मुतालिक उनसे सवाल किया जाएगा। तो साथियों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हर शख्स को उसके तई जो जिम्मेदारी दी है उसको समझने और उसको पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व ताला इस दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के हाकिम हैं उनको भी तौफीक दे कि अपने रियाया और उनके हकूक़ को अदा करें। जो उलमा हैं उनको भी तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर हुकूक करने वादा करने वाले उलमा ही होते हैं, लेकिन जहाँ कोताही, अल्लाह ताला उस कोताही को दूर करे। और हर घर वाले को, हर घर के जिम्मेदार को अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।